ये कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके बेस्ड जो भी कंसेप्ट है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था, क्वेश्चन कहता है द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम्स पी रोम एंड ई पी रोम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। मीन्स जो प्रोग्राम हमारे जो कंप्यूटर मेमोरी जैसे पी रोम ई पी रोम एंड रोम में जो स्टोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑप्शन बी कहता है बूट सेक्टर, एंड ऑप्शन सी कहता है सॉफ्टवेयर, एंड ऑप्शन डी कहता है फर्मवेयर। तो ये कुछ क्वेश्चन है, हम इसका जो कंसेप्ट है आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं जो रिपीट हुआ था, ये आपके जेवीटी एग्जाम के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूज फ्लैश मेमोरी, मीन्स कौन सा स्टोरेज मीडिया है जो फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि फ्लैश मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन ए बोलता है सॉलिड स्टेट डिस्क, एंड बी कहता है सी डी रोम, एंड ऑप्शन सी कहता है हार्ड डिस्क ड्राइव एस डी डी, एंड ऑप्शन जो लास्ट कहता है डी फ्लॉपी डिस्क। तो इसके बेस पे हम आज पूरे के पूरे कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड कंसेप्ट के बाद जो भी ये क्वेश्चन है इनको भी हम लगाएंगे और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे। तो चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आज हम करने वाले हैं इसी के बेस पे कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का वीडियो। मैंने कुछ वीडियो पहले भी इसी चैनल इसी प्लेटफॉर्म में डाली है, अगर आपने उन वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड वॉच दैट वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल है और आपको पूरा का पूरा फ्री कोर्स आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी। तो सबसे पहले हमारे जो इंटरेस्टिंग लगता है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले हमारे माइंड में एक इमेज एक ओवरव्यू होना चाहिए कि कंप्यूटर मेमोरी है क्या। तो मैं पहले बता देता हूँ आपको, कंप्यूटर मेमोरी नाम से पता चल रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी, तो ऐसा ही कुछ कंप्यूटर की मेमोरी उसके टाइप्स और फर्दर उसको किस तरह आगे डिवाइड किया गया है और कौन कौन सी मेमोरी हम यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में कैसी जो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोलता है कि कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, जैसे रैम एंड रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम को भी फर्दर डिवाइड किया है टू टाइप्स में, इसका जो बोलते हैं एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम एंड डी रैम मीन्स डायनेमिक रैम। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, यहाँ कुछ फ्लो चार्ट है उसके थ्रू आपको समझने में कुछ आसानी होगी, तो इसलिए मैं अभी थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंड सेकेंड है रोम। रोम के भी कुछ टाइप है, जैसे हैं पी रोम ई पी रोम डब्ल्यू पी रोम, कंप्लीट इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कहता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी मेन मेमोरी होती है, इसे हम सिस्टम की मेमोरी भी कहते हैं। अब नाम से पता चल रहा है मेन मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर के लिए मेन है कि मेन मेमोरी है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। और जो ये मेमोरी होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी इसे कहते हैं। अब इसके तीन नाम आ गए, मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी को हम कहते हैं। जैसे कैच रजिस्टर, कैच मेमोरी क्या होती है इसका बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल इतना देख लीजिए कि जो कैच मेमोरी होती है इस सिस्टम की अपनी एक मेन मेमोरी में होता है कैच मेमोरी, तो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, अपने आप में एक टॉपिक है। एंड सेकेंड है रजिस्टर। जो रजिस्टर है ये भी एक मेमोरी है। आजकल के जो भी सीपीयू आ रहे हैं उसमें जो रजिस्टर मेमोरी यूज़ होती है, जो रजिस्टर होता है सीपीयू में ही होता है तो उसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर एक मेमोरी है, सीपीयू का ही टाइप है, सीपीयू मेमोरी का ही टाइप है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बोलता है इसके जो फाउंडर है वो है रॉबर्ट हेथ डिनार्ड। ये कोई तीन पर्सन नहीं है, ये एक ही इंसान का नाम है जिसने इसे फाउंड किया है, रॉबर्ट हेथ डिनार्ड। तो रैम कुछ देखने में कुछ ऐसी होती है, हमारे मदरबोर्ड जो सीपीयू होता है मदरबोर्ड में माउंटेड होती है, ये डिटैचेबल होती है, इसको निकाल भी सकते हैं। आपने अगर सीपीयू खोल के देखा होगा तो उसमें स्लॉट बने होते हैं, रैम स्लॉट उसमें लगी होती है और मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है। तो रैम कुछ देखने में ऐसी होती है। अब रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम को कहते हैं रीड एंड राइट मेमोरी। रीड एंड राइट मेमोरी का मतलब है कि मेमोरी को हम रीड कर सकते हैं एंड राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट मेमोरी मीन्स इस मेमोरी में हम इसको इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, प्लस इसको रीड भी कर सकते हैं, दैट इज़ रैम मेमोरी। और मेमोरी जो रैम होती है ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। अब वोलाटाइल क्या होता है हमें इसको समझना चाहिए। वोलाटाइल ये होता है जैसे भी हम अपने कंप्यूटर पे कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक हम उस डेटा को या उस काम को उस रिकॉर्ड को सेव नहीं कर लेते तब तक वो रैम में ही रहता है। अगर हम उसे सेव नहीं कर लेते हैं, अगर जैसे पावर कट ऑफ हो जाता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो डेटा जो क्या होता है वो पूरा का पूरा इरेज हो जाता है, मींस हमारे पास वो सेव नहीं है डेटा। तो इसलिए इसी मेमोरी को वोलाटाइल और टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, दैट इज़ रैम। तो आई होप आपको समझ आया कि टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं
और इसको रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं, मतलब कि इसे हम रीड भी कर सकते हैं, इसमें लिख भी सकते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। एंड नेक्स्ट जो इसकी स्पीड है वो किसमें मेजर करते हैं, रैम की स्पीड मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, मैक्सिमम टाइम मेगाहर्ट्ज में ही मेजर करते हैं, पर आज के टाइम में जितनी हायर कैपेसिटी, जितनी अच्छी प्रोसेसिंग कैपेसिटी की जो रैम है वो गीगाहर्ट्ज भी आ रही है, मार्केट में आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में भी आपको स्पीड मिलेगी, पर मैक्सिमम इसकी मेगाहर्ट्ज में मिलती है। एंड नेक्स्ट इसको मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं। इसके पैरामीटर है, इसको मेजर कैसे करते हैं। आगे फर्दर रैम के जो टाइप्स है, एस रैम डी रैम, इसके भी कंप्लीट फर्दर टाइप है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एस रैम, नाम से पता चल रहा है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम मीन्स जैसे कि यूज टू क्रिएट कैच मेमोरी, जो स्टैटिक रैम होती है इसका यूज करते हैं हम कैच मेमोरी को बनाने में। अब कैच मेमोरी क्या होता है, मैंने अभी पहले भी कुछ आया था हमारे ध्यान में कि कैच मेमोरी क्या होता है, तो समझने के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैच मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी ही होती है। कैच मेमोरी जैसे ही हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में बार बार सर्च कर रहे हैं, जैसे हम जिस डाटा को बार बार सर्च करते हैं, जो कैच मेमोरी इतना मतलब होता है कि ये समझ जाती है कि यूज़र क्या चाहता है, यूज़र क्या फाइंड आउट करना चाहता है। जैसे हम जिस जैसे मान लो हम लॉग इन कर रहे हैं वेबसाइट में और हम कोई साइट का नाम डाल रहे हैं, जैसे हमीरपुर वेबसाइट का नाम डाल रहे हैं HPSSB हमीरपुर, तो कैच मेमोरी समझ जाता है कि उस चीज़ को बार बार इसको सर्च किया जा रहा है, तो कैच मेमोरी उस डेटा को क्या है अपने पास रख लेता है। जैसे हम सर्च करेंगे कैच मेमोरी एकदम से उठा के उसे क्या करेगा, मेन मेमोरी हमें दिखा देगा, जिससे क्या होता है डिले नहीं होता हमारा, जो सर्च करने का डिले होता है और जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है बहुत फास्ट हो जाती है, इससे डिले जो टाइम है ना वो कम हो जाता है। तो कैच मेमोरी इसी में ही हमारी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, जो कुछ भी हम सर्च करते हैं वो ये कैच मेमोरी है। पर इसका कंप्लीट आगे भी बहुत मतलब फर्दर डिवाइड काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, तो उस भी हम फर्दर आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते कि कैच मेमोरी है क्या। एंड फर्दर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर, जो हमारी स्टैटिक रैम होती है ये ट्रांजिस्टर की बनी होती है। एंड नेक्स्ट है डी रैम, पहले हमने पढ़ा स्टैटिक रैम, अब डी रैम डायनामिक रैम। आज के जितने भी CPU हम लैपटॉप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसमें डायनामिक रैम का यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज के लिए ये भी हो गया कि हाँ आपको कोई पूछ ले या आप किसी से पूछ भी सकते हैं कि आजकल के जो CPU एंड लैपटॉप जो रैम यूज़ कर रहे हैं कौन सी रैम यूज़ कर रहे हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक, तो नॉलेज के लिए अच्छा है कि आज के रैम टाइम में जो रैम यूज़ हो रहा है वो डायनामिक रैम है, डायनामिक रैम का हम यूज़ कर रहे हैं। अब डायनामिक रैम है, जो डायनामिक रैम है ये स्लोवर है देन स्टैटिक रैम, मीन्स स्टैटिक रैम हमारी काफ़ी फास्ट है और जो डायनामिक रैम है इसमें एक जो ड्रॉबैक है ये स्लोवर है एज कम्पेयर टू स्टैटिक रैम। नेक्स्ट जो डायनेमिक रैम है इसे हमें रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे ही हम हमारे PC लैपटॉप में मैंने बताया कि डी रैम होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमें कुछ टाइम बाद हम काम कर रहे होते हैं, जो भी यूज़र काम कर रहा होता है अपने PC में वो रिफ्रेश करता है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को थोड़ा देखता है कि थोड़ा कम है स्पीड, तो उसे बार बार रिफ्रेश करता है, तो वही है कि डायनेमिक रैम में हमें नीड टू रिफ्रेश, उसे रिफ्रेश करने के बीच बीच में जरूरत पड़ती है। यूज्ड इन, मैंने बताया आपको कि लैपटॉप PC मोबाइल आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो डायनेमिक रैम का ही यूज़ कर रहे हैं। एंड मेड अप ऑफ कैपेसिटर, स्टैटिक रैम में मैंने बताया कि वो ट्रांजिस्टर की बनी होती है, यहाँ डायनेमिक रैम जो है हमारी कैपेसिटर की बनी होती है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आने के चांसेस भी है कि हाँ कि डायनेमिक रैम किस चीज़ की बनी होती है, तो आंसर इज कैपेसिटर। एंड डायनेमिक रैम के जो टाइप है उनको देख लेते हैं, जैसे है डायनेमिक सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में सीधा जाता है SD रैम, तो बच्चे सोचते हैं कि ये स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, स्टैटिक डायनामिक रैंडम, नहीं ऐसा नहीं है, आपने ध्यान देखना है कि ये है सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, कन्फ्यूज नहीं होना है। सिंक्रोनस नाम से पता चल रहा है, सिंक्रोनस मीन्स पैरेलल, सिंक्रोनस होता है जैसे समझने के लिए हम थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे हम फोन में अपने व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हैं वही व्हाट्सएप हम अपने PC कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ भी सेम वही काम करता है ना, जैसे कि हम किसी के साथ चैट कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अपने फ़ोन में जो चैट कर रहे हैं वो कुछ और है या मैसेज कर रहे हैं कुछ और है, जब हम उसे PC या लैपटॉप में उस व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं उसमें ओपन कर रहे हैं तो वहाँ कुछ और मैसेज बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, पैरेलल सेम जो वहाँ भी यहाँ भी दोनों में सेम वर्क करता है, तो दैट इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का यही होता है कि डायनेमिक रैम का जो फायदा सबसे बड़ा ये है कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इससे सिंक्रोनस पैरेलल हम दोनों साइड दोनों जगह कितनी भी जगह हम डाटा को क्या है पैरेलली यूज़ कर सकते हैं। DDR डबल डेटा रेट,
एक डबल डेटा रेट। अब डबल डेटा रेट एक रैम के आगे जो टाइप्स हो सकते हैं, जैसे हम मार्केट में जाएंगे तो हम बोलेंगे रैम, जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या हम रैम परचेस करना चाहते हैं अपने सिस्टम के लिए, तो हम सबसे पहले पूछते हैं कि हमें रैम दिखा दो। तो सबसे पहले शॉपकीपर यही पूछेगा, भाई आपको रैम कौन सी चाहिए, किस चीज़ के यूज़ के लिए चाहिए, कौन सा कितना आपका बजट है, किस बजट की रैम चाहिए, रैम तो काफ़ी महंगी भी है। तो वही तो उसी हिसाब से जो डबल डेटा रेट है रैम को आगे आगे क्या किया है, डिवाइड किया गया फर्दर उसके टाइप्स कि हाँ डबल डेटा रेट 1, डबल डेटा रेट 2, 3 ऐसे फर्दर डिवाइड किया गया है। तो ये डबल डेटा रेट जो भी है रैम के ही, जो हमारी डायनेमिक रैम है उसके ही टाइप्स हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं, अभी हमने रैम के बारे में डिस्कस किया एंड अब हम डिस्कस करने वाले हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है रीड ओनली मेमोरी, मीन्स हमें इसे रीड ही कर सकते हैं, इसमें हम राइट नहीं कर सकते। मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले यहाँ कुछ इमेज है, ये मेमोरी कुछ ऐसे दिखने में होती है रीड ओनली मेमोरी। मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा, आई होप कि आपको समझ भी आ जाएगा। अब रीड ओनली मेमोरी मीन्स नाम से पता चला कि रीड ओनली मेमोरी, हम इसमें कुछ भी हम राइट नहीं कर सकते, सिर्फ कम्प्लीटली इसे हम रीड कर सकते हैं, मीन्स हमारा इसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं है, हम इसे रीड ही कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी गाड़ी या बाइक या व्हीकल कोई भी परचेज करते हैं किसी भी एजेंसी से, किसी भी कंपनी का कोई व्हीकल है, तो हम उस कंपनी का जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसमें जो इंजन है हम उसकी स्पेसिफिकेशन में चेंज तो नहीं कर सकते। क्यों? वो एक बार जो मैन्युफैक्चर हो चुका है अब उसमें हमारा कोई उस कंट्रोल नहीं है, वो उस टाइम जो मैन्युफैक्चर हो चुका है इंजन की स्पेसिफिकेशन वगैरह जो बन चुकी है, जो क्रिएट हो चुकी है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। हम इतना उसमें कंट्रोल कर सकते हैं कि हम यूज़र है, ड्राइवर है, हम उसको थोड़ा उसकी स्पीड में कंट्रोल कर सकते हैं। सेम यही है कि हम रोम जो है, जो जब हमारा पीसी मैन्युफैक्चर होता है तो रोम को एक बार मैन्युफैक्चर किया जाता है, फर्दर इसमें कोई चेंजेस नहीं किए सकते। जो रोम में उस टाइम जो प्रोग्राम डाल दिए उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए इसे नाम दिया गया है रीड ओनली मेमोरी, मीन्स हम इसे रीड ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना इसमें कोई हम राइट कर सकते हैं। तो दैट इज रीड ओनली मेमोरी, आई होप आपको समझ आया होना। दैट इज परमानेंट मेमोरी। वहाँ हमने रैम किया, वो क्या होता था, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती थी, वोलाटाइल नेचर होती थी, पर दैट इज रोम, दैट इज परमानेंट। परमानेंट मीन्स हमने एक बार जो भी इसमें डाटा डाल दिया दैट इज परमानेंट। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको समझ आ गया होना। एंड नेक्स्ट हेल्प इन बूटिंग। अब हमारा जो पीसी जब स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को जब स्टार्ट होता है उसे बूटिंग कहते हैं। बूटिंग में हेल्प करता है रोम। रोम बूटिंग में हेल्प कैसे करता है, जब भी हम अपने सिस्टम को स्टार्ट करते हैं जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ विंडो, वो हमारा इंस्टॉल होता है हार्ड डिस्क में, दैट इज़ सेकेंडरी मेमोरी। जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, बूट कर रहा है हमारा सिस्टम, तो उस टाइम क्या होता है, जो हमारी विंडो होती है वो हार्ड डिस्क से कॉपी होती है, वहाँ से आती है और ट्रांसफ़र होती है और रैम में जाके सेव होती है। ध्यान देना यहाँ, मैं बता रहा हूँ रैम में जाके सेव होती है, रोम में जाके सेव नहीं होती। पर इस प्रोसेस में जो हेल्प करता है दैट इज़ रोम, दैट्स वाई हेल्प इन बूटिंग, कि बूटिंग में जो हेल्प कर रहा है रोम हेल्प कर रहा है, हार्ड डिस्क से जो कॉपी हो रही है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क टू प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम में जा रहा है, पर उस प्रोसेस को जाने में जो हेल्प कर रहा है दैट इज रोम, दैट्स व्हाई इट्स हेल्प इन बूटिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रैम में तो नहीं हो रहा है बूटिंग, किस में हो रहा है, तो हेल्प बूटिंग में रोम करता है और जो प्रोसेस हार्ड डिस्क से सेव होता है वो दैट इज प्राइमरी मेमोरी और रैम में जाके सेव होता है, तो रोम में सेव नहीं होता है, रोम कंप्लीटली हेल्प करता है बूटिंग में। ओके और नॉन वोलाटाइल नेचर, मैंने बताया कि जो इसमें प्रोग्राम डाल दिया है, जो भी डेटा डाल दिया है वो कम्प्लीटली उस फुली उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज़ नॉन वोलाटाइल नेचर, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। यूज टू स्टोर बायो सॉफ्टवेयर। अब बायो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी सॉफ्टवेयर रोम में इंस्टॉल होता है, जो भी यूज टू स्टोर मीन्स जो बायो सॉफ्टवेयर है, बायो सॉफ्टवेयर हमारा जो होता है, जैसे आपने सुना होगा सीमोस बैटरी, काफ़ी अगर टॉपिक बड़ा ब्रॉड हो जाएगा अगर मैं कंप्लीट समझाने लग जाऊँ, सीमोस बैटरी होता है, जो क्लॉक की सेटिंग होती है हमारी वो पूरी की पूरी उस बैटरी में सेव होती है, दैट इज सीमोस बैटरी। सीमोस मीन्स स्टैंड फॉर कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, दैट इज सीमोस बैटरी, और पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं बायो सॉफ्टवेयर, उसको स्टोर करता है रोम, रोम बायो सॉफ्टवेयर को अपने में स्टोर करके रखता है। ओके रोम इंस्ट्रक्शन, जो भी रोम की इंस्ट्रक्शन होती है उसे फर्मवेयर कहते हैं। अब फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉइंट्स, दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मींस जो फर्मवेयर है वो कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है हार्डवेयर जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर है, एंड सॉफ्टवेयर कोई ऐसा ड्राइवर या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं, पर उसको टच नहीं कर सकते, दैट इज सॉफ्टवेयर। तो एक जो फर्मवेयर होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब फर्मवेयर क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं देना चाहता हूँ, ऐसे मेनली इसमें दो ही एग्जाम्पल काउंट किए जा सकते हैं, ऐसे समझने के लिए हम किसी भी तरह समझ सकते हैं। फर्मवेयर
हार्डवेयर का मतलब होता है जैसे टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, तो उस रिमोट को हम फर्मवेयर कह सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फर्मवेयर क्या होता है। आज आप सब घर में ऐसा नहीं बोलेंगे कि बड़े भाई को कि नहीं मुझे भैया रिमोट दे दो, आप बोलना भैया प्लीज़ मुझे फर्मवेयर दे दो। ओके, तो फर्मवेयर यही है कि ये कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। अब फर्मवेयर कैसे है, क्योंकि इसमें हार्डवेयर तो कंपोनेंट लगा ही है, रिमोट को हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर तो कंपोनेंट लगे ही है उसमें, पर उसमें जो प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है दैट इज सॉफ्टवेयर। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, फर्मवेयर बोलेंगे। अब आपके माइंड में डाउट भी आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर तो उसमें भी इंस्टॉल होता है हमारे स्कैनर एंड प्रिंटर में, तो उसको और उसको टच भी कर सकते हैं, उसको हम फर्मवेयर क्यों नहीं बोलते। तो यहाँ समझने के लिए एक पॉइंट ऐसा है कि जो उसमें ड्राइवर इंस्टॉल होता है हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, हम परचेस करते हैं प्रिंटर को मार्केट से और अपनी स्पेसिफिकेशन कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो भी हमारा प्रिंटर उसको सपोर्ट करता है उस प्रिंटर के ड्राइवर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, ये पहले से इंस्टॉल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं, तो यही एक इसमें बिग डिफरेंस है कि इसमें जो ड्राइवर होता है पहले से इंस्टॉल होते हैं और उसमें ड्राइवर क्या है हम इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इसलिए हम यहाँ फर्मवेयर इसे जो भी टीवी रिमोट है उसे फर्मवेयर बोल रहे हैं और हम प्रिंटर एंड स्कैनर को फर्मवेयर नहीं बोल सकते। दैट इज वेरी यू नो बिग मच डिफरेंस एंड नॉट मॉडिफाइड, इसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। पहले क्लियर कर दिया मैंने कि जो मैन्युफैक्चर कर दी है मेमोरी एक बार उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज नॉट मॉडिफाइड। एंड नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ रोम। अब रोम के भी टाइप्स है, अब देखना कि रोम की जो टाइप्स है हम यूज़ भी कर रहे हैं आज हमारे आमने सामने हम यूज़ कर रहे हैं, हमें अक्सर पता नहीं होता कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको बड़ा कुछ सीखने को भी मिलेगा कि टाइप्स ऑफ रोम। ओके चलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पी रोम मीन्स प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, हम एक ही बार इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, बार बार इसमें एडिटिंग करना पॉसिबल नहीं है। दैट इज वॉम राइट वंस रीड मैनी मीन्स एक बार जो प्रोग्राम लिख दिया सिर्फ राइट वंस रीड मैनी, बार बार उसे हम पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं, बट उसमें राइट एक बार जो प्रोग्राम डाल दिया उसको दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए है डीवीडी, जब भी आप डीवीडी मार्केट से लेके आते हो आज के टाइम में तो कहाँ डीवीडी का बहुत कम यूज़ कर रहे हैं हम, पर जब जिस किसी ने भी डीवीडी को देखा या यूज़ किया है एक बार उसमें जो मूवी हम इंस्टॉल कर देते थे या मार्केट से जो डाल के दे देते थे जो उसमें डेटा या मूवी जो भी रख लो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। ऐसा तो नहीं होता था कि हम कोई मूवी ले आए उसमें बोले उसमें कोई हीरो था अक्षय कुमार, हम बोले नहीं नहीं हमें आमिर खान चाहिए इसमें, तो ऐसा चेंज हो सकता था नहीं, पॉसिबल नहीं था। अगर ऐसा चेंज करना होता तो मूवी को दोबारा डायरेक्ट करना पड़ता, तो इसलिए डीवीडी इसका एग्जांपल है राइट वंस रीड मैनी, दैट इज द यू नो एग्जांपल ऑफ पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके एंड नेक्स्ट देखते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चला है इरेजेबल, इसको इरेज कर सकते हैं, वहाँ था प्रोग्राम रीड ओनली इसमें इरेजेबल नहीं कर सकते थे, इसको सिर्फ क्या कर सकते हैं हम राइट वंस रीड मैनी कर सकते हैं, पर इसमें क्या है इरेजेबल कर सकते हैं। इरेजेबल किससे कर सकते हैं, किसकी हेल्प से कर सकते हैं, यूवी रेज दैट इज अल्ट्रा वायलेट रेज, इसकी हेल्प से इस मेमोरी को हम इरेज कर सकते थे, इसमें इरेज कर पाना पॉसिबल था और इसमें एडिटिंग भी पॉसिबल था, क्योंकि जब इसमें इरेज कर सकते हैं तो एडिटिंग पॉसिबल है ऑटोमेटिक। ओके एंड नेक्स्ट थर्ड टाइप्स है WEP रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल कि इसमें इलेक्ट्रिकल जो रेज होती है उसकी हेल्प से हम मेमोरी को कैसे इरेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि EP रोम है क्या एंड WEP रोम है क्या, और एग्जामिनर में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही पॉइंट ऑप्शन में मिल जाते हैं और बच्चा कन्फ्यूज होता है और कई बार हम क्या रॉन्ग आंसर टिक कर देते हैं। तो आपको समझने के लिए बिल्कुल देखना है कि जो EP रोम है उसमें इरेजेबल कर सकते हैं पर उसमें यूवी रेज का यूज होता है, एंड जो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट इज WEP रोम उसमें हम कर जिसका जो यूज कर रहे हैं इरेज करने के लिए मेमोरी को दैट इज इलेक्ट्रिकल रेज का यूज कर रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है। एंड जो हमारे थर्ड टाइप है WEP रोम इसमें फ्लैश मेमोरी यूज होती थी, अब फ्लैश मेमोरी होता क्या है जैसे पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड आजकल के टाइम हम इसी का यूज कर रहे हैं फ्लैश मेमोरी का, जैसे पेन ड्राइव है कोई भी कितना मिलियंस डेटा बड़ा बड़ा डेटा जो कंपनी का होता है छोटी छोटी जो हार्ड डिस्क है पेन ड्राइव है आपके मेमोरी कार्ड है उसमें स्टोर होता है। अब उसमें स्टोर कैसे होता है इस थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, उसमें जैसे हमारा पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो डेटा को क्या अपने में पकड़े रखते हैं। अब कुछ टाइम होता है जैसे 5 साल या 6 साल बाद वो डाटा इरेज हो जाता है, मींस हम कहते हैं हमारा पेन ड्राइव इरप्ट हो गया या हमारा मेमोरी कार्ड इरप्ट हो गया, वो क्यों कहते हैं मींस जो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें थे जो अपने डाटा को पकड़ के जकड़ के रखते थे अब उनकी जो उसकी जो कैपेसिटी थी वो लॉस्ट हो चुकी है, तो उसके कारण जो हमारा पेन ड्राइव मींस खराब हो जाता है इरप्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता कि पेन ड्राइव कभी खराब नहीं होता तो मार्केट में बिक्री भी नहीं होती, तो इसके पीछे एक लॉजिकल है लॉजिक क्या आप देख सकते हैं सोच सकते हैं। ओके एंड फ्लैश मेमोरी मैंने आपको बताया कि जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसे फ्लैश मेमोरी कहते हैं,
कहते हैं, और ये फ्लैश मेमोरी डबल ईपी रोम वाली कैटेगरी में है। तो एग्जामिनर पूछता है कि फ्लैश मेमोरी कौन सी उसमें यूज करते हैं, दैट इज डबल ईपी रोम, ओके, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, और इसी टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो पूछता है कि एसएसडी, एग्जामिनर पूछता है एसएसडी है क्या, तो आपने बोला कि एसएसडी जो है पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड, ये जब जो मेमोरी के लिए हम यूज करते हैं पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का, उसे ही एसएसडी कहते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, आई होप आपको समझा रहा हूं ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी कवर किया, जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड थर्ड वन इज डबल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड वॉम, राइट वंस रीड मैनी एंड यूवी अल्ट्रा वॉलेट रेस। मैंने यहाँ कुछ एब्रीवेशन पूरी कंप्लीट दे दिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, आप नोट कर सकते हो, और यहाँ से एक फुल एब्रीवेशन स्टैंड फॉर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और पूछा जाता है, तो ध्यान रखना इनका। एंड नेक्स्ट चलते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताए थे आपको कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे जेवाईटी के, तो ओके अभी हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया है, अब इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला है द प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम पी रोम एंड ई पी रोम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड, कि जो प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं पी रोम ई पी रोम में उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, दैट्स यूटिलिटी प्रोग्राम्स, बूट सेक्टर एंड थर्म सॉफ्टवेयर एंड फर्मवेयर। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया रिमोट का, एसी रिमोट का, तो ये पूरे के पूरे किस में इंस्टॉल होते हैं, इसको कहते हैं फर्मवेयर। जो पीरोम ईपीरोम डब्ल्यूपीरोम जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं उन्हें फर्मवेयर कहते हैं। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, उसे कहते हैं फर्मवेयर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी, कौन सा स्टोरेज मीडिया है कि इसमें से बताना है कि वो फ्लैश मेमोरी का यूज करते करता था, अभी हमने डिस्कस भी किया। ऑप्शन देख लेते हैं, सॉलिड स्टेट डिस्क, सेकंड है सीडी रोम, एंड नेक्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड फोर्थ वन है फ्लॉपी डिस्क। तो मैंने आपको बताया कि उस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया पेन ड्राइव हो गया, उसे कहते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो दैट इज ए इज अपना जो यहां करेक्ट आंसर है, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहां देख लेते हैं हम, ये जो हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसी के बिहाव में मैंने कुछ यहां एमसीक्यू लगाए हैं, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन वन कहता है नेम द फास्टेस्ट मेमोरी, कि इस जो मेमोरी यहाँ दी है इन्हें बता, इनमें से बताने की कौन सी फास्टेस्ट है, कैच मेमोरी, रजिस्टर मेमोरी, फ्लिप फ्लॉप एंड रैम। तो मैंने आपको बताया कि रजिस्टर जो होता है सीपीयू में ही, सीपीयू की ही मेमोरी होती है, तो जो रजिस्टर होता है काफ़ी फास्टेस्ट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा जो रजिस्टर मेमोरी हमारी काफ़ी फास्टेस्ट मेमोरी है। नेक्स्ट वन, विच मेमोरी इज नियरेस्ट टू सीपीयू, कि कौन सी मेमोरी है वो नियरेस्ट टू सीपीयू होती है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, बफर मेमोरी, रोम मेमोरी, थर्ड वन रैम, एंड फोर्थ वन इज रजिस्टर। तो मैंने रजिस्टर बताया आपको कि रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर ही इंस्टॉल होता है, सीपीयू की जो मेमोरी होती है रजिस्टर कहते हैं, तो नियरेस्ट भी हमारा क्या है, जो रजिस्टर है यही नियरेस्ट टू सीपीयू मेमोरी होगी, तो इसका जो होगा हमारा फोर्थ वन, रजिस्टर इज दी मेमोरी दैट इज नियरेस्ट टू सीपीयू। एंड नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन तीसरा बोलता है कैच मेमोरी इज मेड अप ऑफ, मीन्स जो कैच मेमोरी है वो किससे बनी हुई है, ऑप्शन डी रैम, एस रैम, रोम एंड रजिस्टर। तो मैंने आपको बताया स्टैटिक रैम के बारे में डिस्कस किया, तो स्टैटिक रैम का यूज होता है कैच मेमोरी को क्रिएट करने के लिए, दैट इज स्टैटिक रैम इज अवर करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट कहता है रैम इज लोकेटेड इन, तो रैम कहाँ लोकेटेड होती है, जब भी हम हार्डवेयर सीपीयू को अगर खोल के देखा होगा या देखते हैं, दो जो हमारी जो रैम होती है वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंटेड होती है, वहाँ स्लॉट होता है रैम का, उसमें लगी हुई होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पेरिफेरल, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड एंड सीपीयू। तो करेक्ट आंसर इज मदरबोर्ड, जो हमारी जो रैम होती है, हमारी जो रैम होती है वो हमारे मदरबोर्ड पे लगी हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है अमंग दिस नेम द टेम्प्रेरी मेमोरी, कि इसमें से कौन सा जो है एक टेम्प्रेरी मेमोरी है, ऑप्शन है रैम, सेकंड वन इज ऑप्शन है रोम, थर्ड ऑप्शन है रैम एंड रोम एंड फर्मवेयर। तो मैंने आपको बताया कि जो रैम है वो हमारी वोलेटाइल नेचर है, मीन्स टेम्प्रेरी मेमोरी है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रैम, दैट इज अवर टेम्प्रेरी मेमोरी। नेक्स्ट, डायनेमिक रैम कंज्यूम्स डेस पावर एंड डेस देन स्टैटिक रैम, मीन्स जो पूछ रहा है कि जो हमारा डायनेमिक रैम है वो कैसी पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, ऑप्शन है मोर पावर कंज्यूम करता है एंड फास्टर एंड लेसर है, तो बोलता है कि मोर फास्टर, एंड सेकंड वन इज मोर एंड स्लोअर, एंड थर्ड वन इज लेस एंड स्लोअर, एंड फोर्थ वन इज लेस एंड फास्टर। तो जो डायनेमिक रैम है वो लेस होता है एंड स्लोअर होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम, तो फोर्थ वन इज हमारा करेक्ट, थर्ड सॉरी
थर्ड ऑप्शन इज हमारा जो करेक्ट आंसर होगा कि वो लेस पावर को क्या है कंज्यूम करता है और स्लोअर होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ओके तो आई होप जो आज हमने कंसेप्ट जो डिस्कस किया बेस्ड ऑन कंप्यूटर मेमोरी, कितने कंप्यूटर मेमोरी के जो कितने टाइप्स होते हैं उसी के बिहाफ में हमने कुछ एमसीक्यू भी किए। आई होप कि आपको जो भी डिस्कस किया कंप्लीट समझ आया होना। एंड आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर एंड दोस्तों में शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और यहां मैं कंप्लीट बता दूं आपको, हमारे यहां पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ग्रामर का फुल कोर्स, जितने भी JYT एग्जामिनेशन, जितने भी कंप्लीट एग्जाम होते हैं उनकी कंप्लीट यहाँ से क्या है आपको पूरा कोर्स दिया जाएगा। कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।